हाय फ्रेंड्स, आई एम कौसर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कौसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो है NIOS के स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10th क्लास के अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, इसमें क्या है कि ये आपका 12th क्लास के कुछ स्टार्टिंग के जो बेसिक चैप्टर हैं उन्हीं में से आपके ये चैप्टर्स उठा के यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर इनको क्या है, छोटे छोटे टॉपिक को भी डिटेल में दे दिया ताकि आपको ये ईजी पड़ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा था आपकी बुक में कि अकाउंटिंग क्या है, उसमें एक एग्जांपल दे रखा था। उसको देखने के लिए मैंने अभी 12th क्लास के इंट्रोडक्शन पे, मतलब अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। अकाउंटिंग क्या है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो आप अगर नॉर्मल अपने घर के सामान लेने जा रहे हैं, लाइक आप परचेज करें वेजिटेबल्स, आप पे कर रहे हैं स्कूल फीस, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप टेलीफोन बिल, रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपकी क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन है। जस्ट एज मैनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन हाउस, ठीक है, मैनी मोर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन बिजनेस। इस तरीके से क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन प्लेस करती हैं, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो अ कस्टमर कम्स, ही बाइज, रजिस्टर, पेस मनी फॉर इट एंड द अनदर कस्टमर। देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, मैं पूरा एग्जांपल करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है वो बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई सामान सेल किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, कोई रेंट पे किया जा रहा है, या फिर सैलरी पे की जा रही है, ये सब क्या होती हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, और अगर कोई ओनर है वो पर्सनल काम कर रहा है, मतलब पर्सनल बिल पे कर रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा है वहीं से, तो वो सब क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि दीज इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकिंग एसेट्रा, मनी और मनी वर्थ। ठीक है, पैसे या फिर पैसे की उसमें वर्थ में ये चीज़ क्या होती है, एक्सचेंज होती है, यानी कि या तो गुड्स वगैरह हो या फिर सर्विस हो। गुड्स की अगर बात की जाए तो आपने किसी से सामान परचेज़ किया, ठीक है, वो गुड्स परचेज़ करना हो गया। बट अगर आप डॉक्टर की बात करेंगे तो डॉक्टर क्या करता है, फीस लेता है और सर्विस देता है, यानी कि वो क्या करता है, पैसे लेता है और डॉक्टर उस पेशेंट को देखता है। ठीक है, और इस तरीके से टीचर क्या करता है कि बच्चे को एजुकेशन देता है, वो उनको पढ़ाता है और उसके बदले में वो उनसे फीस लेता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि दीज आर मॉनिटरी इन नेचर, यानी कि पैसे वाली टर्म होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं है कि आप किसी की ऑनेस्टी ये सब चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पर क्या होता है, मॉनिटरी टर्म है, यानी कि पैसे की वैल्यू में होनी चाहिए। इन बिजनेस ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी, और बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, गुड्स और सर्विस किस उसमें एक्सचेंज की जाती है, मनी में। ठीक है, इन क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन गुड्स आर रिकॉर्ड इन एक्सचेंज बट मनी इज रिसीव्ड और पेड इन अ फ्यूचर डेट। क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, यानी कि उधार आपको सामान आपने दे दिया किसी को, या फिर आपने सामान उधार किसी से ले लिया और वो पैसे आपको बाद में देने हैं। ठीक है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपके यहाँ पर दी हुई है कि आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए, बाकी क्या आप इनको रीड कर सकते हैं, कोई खास इसमें इतना ज़्यादा है नहीं जो मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊँ। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इससे पहले मैं बुककीपिंग बता चुकी हूँ, वीडियो आप अगर आप उस वाली वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुककीपिंग क्या होती है। ठीक है, नीड क्या होती है बुककीपिंग की, तो हेल्प असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर हेल्प करती है बिजनेस डिसीजन में, अगर बिजनेस डिसीजन आपको लेना होता है तो आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, आपको पता चल जाए कि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर रिकॉर्ड फॉर इनकम टैक्स एंड पर्पसेस, यानी कि आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पे कर सकते हैं इसका, अगर आपके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। सिर्फ जैसे एडवांटेज आपके अकाउंटिंग के है ना, वो सेम यहाँ पर है। ठीक है, प्रिपेयरिंग बजट, आप बजट बना सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है पूरा, आपके पास इन्हें रिकॉर्ड बना कर रख लिया तो आप बजट बना सकते हैं। कीपिंग द ऑर्डर ट्रांजेक्शन वुड हेल्प यू टू प्लान द बजट फॉर फोर्थ कमिंग ईयर। ठीक है, एंड टैक्स असेसमेंट, यानी कि कीपिंग गुड रिकॉर्ड्स वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर पेरोल, टैक्स रिटर्न एंड सेल्स टैक्स। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से रिकॉर्ड बना रखा है तो आप इजीली टैक्स वगैरह भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग के, टू शो द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का परमानेंट रिकॉर्ड शो करना। देख लेते हैं इसमें और आगे,
ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव टू शो परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है अगर आप बुक कीपिंग अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाता है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वही सेम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही चीज़ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है। आपने एक के भी पॉइंट याद कर लिए ना, आप बाकी के वो कर लोगे, ठीक है। इसमें मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, आप उन्हीं क्वेश्चंस को करिएगा, बस आप यहाँ पर इनको पढ़ के समझ लीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ टोटल सेल्स एंड परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ से वही सेल एंड टोटल सेल और टोटल परचेज आप पता कर पाते हैं कि कितने की आपने सेल की, कितने की परचेज की, अगर आपने एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है, यानी कि बुक कीपिंग कर रखी है, बुक में आपने पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर्स, के कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितनों को हमें पैसे देने हैं, या कितने डेटर्स हैं बिजनेस के जिनसे हमें पैसे लेने हैं। टू नो द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, हमें ये पता चल जाता है कितनी क्वांटिटी है या कितनी वैल्यू है हमारे पास स्टॉक की। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस सामान को हम बेचते हैं, हमारा बिजनेस है जिस चीज़ का, वो स्टॉक हमारे पास उसकी क्वांटिटी कितनी, कितना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है और कितनी उसकी वैल्यू है, ये सब हम पता लगा पाते हैं। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग क्या है ये मैंने वीडियो में बता दिया है आपको, 12th क्लास के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद में जो भी अगर डिफरेंट होगा तो मैं उसके लिए अलग 10th क्लास के लिए वीडियो बना दूंगी और 12th क्लास के लिए अलग वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज जो 12th के लिए मैं एक वीडियो लेकर चल रही हूँ उसी का ही जो एक पार्ट है वो आपका 10th में दे दिया है इन्होंने NIOS वालों ने, तो आप इस जो 12th की मैं वीडियो बना रही हूँ उनको भी आप देख सकते हैं NIOS के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप उन वीडियो से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।